हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्ता की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा हमने दो तरीके से बनाया है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हम इसमें डाल देते हैं एक चम्मच घी। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं। ये हमने ली है 3 से 4 चम्मच किशमिश, 2 चम्मच हमने लिए हैं काजू, और 4 से 5 चम्मच लिए हैं हमने बादाम की गिरी, जो हमने इनको इस तरह से कट कर ली है। तो चलिए इसमें इनको फ्राई कर लेते हैं। ये जो हम ड्राई फ्रूट इस तरह से फ्राई करके जो हलवे में हम इनको डालते हैं, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ये जो इसकी स्मेल होती है ड्राई फ्रूट की, वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। ये इसका फ्लेवर भी खुशबू में बदल जाता है। तो चलिए फ्राई हो चुकी है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये सभी ड्राई फ्रूट कितने अच्छे से हमने इनको फ्राई कर लिया है। ये देखिए गाइस, हमने इसमें 2 चम्मच घी का और इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें डाल देते हैं सूजी। ये हम इसमें 1.5 कप सूजी का हलवा बनाएंगे। ये देखिए गाइस, हमें अब इसको सूजी को अच्छे से भून लेना है। अब हम इसको सूजी को कलर चेंज होने तक भून लेते हैं। इस तरह से ही हमें इसको चलाते हुए भून लेना है। अब हम इसको अच्छे से सूजी को भून लेते हैं, बाद में भून लेंगे। ये देखिए गाइस, जब सूजी भुननी शुरू हो जाती है तो इस तरह से इसमें बबल्स आने लगते हैं, और ये देखिए कितने अच्छे से सूजी भुन रही है और कलर भी चेंज होता जा रहा है। अब हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए गाइस, सूजी अच्छे से भुन चुकी है, और ये देखिए इसका कलर कितने अच्छे से आ चुका है। हमें इसका इस तरह से ही कलर कर लेना है सूजी का, और ये देखिए घी इस तरह से अलग छूट चुका है। ये देखिए गाइस, सूजी अच्छे से भुन चुकी है। हमने ये इसमें 1.5 कप सूजी का इस्तेमाल किया था, तो हम इसमें 1.5 ही कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से ही हमें पहले चीनी डालनी है, क्योंकि जो इस तरह से हम इसमें चीनी डालते हैं और जो हलवे में गांठें पड़ जाती हैं वो इस तरह से नहीं पड़ती है, और हमें अब इस तरह से चीनी को हलवे के साथ में मिक्स कर देनी है। ये हमने सभी इस तरह से मिक्स कर दी है। अब हम गैस ऑन कर लेते हैं, और ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, अब हम ये इसमें से ये डाल देते हैं, थोड़े से गार्निश के लिए रख लेंगे, और इनको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। इस तरह से आप अगर सूजी का हलवा बनाएंगे, बहुत ही परफेक्ट हलवा बनता है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। और अब हम गैस बंद कर देते हैं, और हमने ये लिया है 6 कप पानी लिया है हमने, क्योंकि हमने 1.5 कप सूजी ली है, तो हमने इसमें 6 कप पानी का इस्तेमाल करना है। और हमने इस पानी में लौंग इलायची इस तरह से डालकर बॉइल कर लिया है, तो आप इसको इस तरह से ही लौंग इलायची इस तरह से डालिए इसमें और इसे बॉईल कर लीजिए, क्योंकि जो लौंग और इलायची का फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमें इसको अच्छे से चलाना है इस तरह से। अब जो चीनी हमने इसमें डाली थी वो चीनी भी अच्छे से घुल जाएगी, और हलवा भी एकदम बनकर सेट तैयार हो जाएगा। क्योंकि सूजी के हलवे में हमने 1 से 1.5 कप पानी इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और ये देखिए इसका रवा इस तरह से खिल जाता है, कितने अच्छे से इसका रवा खिल कर रेडी हुआ है। क्योंकि सूजी का जो हलवा है वो टाइट हो जाता है रखने के बाद। अगर आपको 1 कप सूजी लेनी है तो आपको 4 कप पानी का इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें 1 चम्मच घी का और इस्तेमाल करेंगे ऊपर से। इस तरह से जो ऊपर से हलवे में घी डालते हैं उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये देखिए गाइस, कितने अच्छे से दानेदार हलवा बनकर रेडी हुआ है। अभी हमने कुछ जो ड्राई फ्रूट बचा कर रखे थे, अब हम इन ऊपर से सर्व कर देते हैं। ये देखिए गाइस, कितने अच्छे से हलवा बनकर रेडी हुआ है, और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप इसको बनाकर देखें और इसको अपने फैमिली में शेयर करें, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए गाइज, हमने लिए हैं ये 5 ब्रेड। हलवा तो बनकर हमारे रेडी हो चुका है, तो आपको इस तरह से कोई जो हलवा नहीं खाता है और वो इस तरह से जो हम बना रहे हैं वो आसानी से हलवा खा लेते हैं। तो हम अब हम कर लेते हैं इसके 4 पीस। ये देखिए गाइज, अब हम ये सभी ब्रेड इस तरह से कट्स कर लेते हैं। ब्रेड कट हो चुके हैं। अब हमने लेना है एक फ्राई पैन,
ये देखिए गाइस, हमने इसमें फ्राई पैन लिया है, फ्राई पैन, और हम इसमें हमने लगाया है घी, और अब हम ये सारे ब्रेड इस तरह से सेक लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने ये सभी ब्रेड इस तरह से पैन के अंदर लगा दिए हैं। नीचे हमने इसमें घी लगा दिया था, और इस तरह से हम ये ब्रश की मदद से अब सभी ब्रेडों पे इस तरह से घी लगा देते हैं। हलवे में घी बहुत ज़्यादा है, तो हमें ब्रेड को कम घी में ही सेकना है। हमें सब ब्रेड इस तरह से सेक लेने हैं। ये हलवे परांठे से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो हम इस तरह से इनको सेकते हैं। अब हम इनको पलट देते हैं। ये देखिए गाइस, इधर से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और अब हम इनको भी इधर से भी सेक लेते हैं। ये देखिए गाइस, इधर से ब्रेड सिक चुके हैं, और अब हम इन पे थोड़ा थोड़ा सा घी और लगा देते हैं इस साइड से भी। इस तरह से जो हम ब्रश की मदद से इस तरह से घी लगाते हैं, तो घी भी कम लगता है और फ्राई भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। आप चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है। ये देखिए गाइस, सारे ब्रेड अच्छे से सिक चुके हैं। ये देखिए, सारे टोस्ट जो हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और ये लिया है हमने एक पूरा ब्रेड, ये भी हम इसको सेक लेते हैं। अब हम इसके ऊपर इस तरह से घी लगा देते हैं। अब हम इसको इस तरह से लटते पलटते हुए हल्की आंच पर हमें इसको सेकना है। ये देखिए गाइस, हमने ये सभी ब्रेड इस तरह से सेक कर रेडी कर लिए हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, हमें इस तरह से हलवा लेना है, और ये हमें लेना है टोस्ट। ये देखिए गाइस, जो हलवा भी नहीं खाते हैं, इस तरह से जो आप इसके ब्रेड और हलवे के टोस्ट बनाएंगे ना, वो भी हलवा खाना शुरू कर देंगे, और इस तरह से ही ब्रेड के टोस्ट के साथ में हलवा खाएंगे। ये हलवे परांठे से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसको घर में मेहमान आते हैं और उनके लिए नाश्ता बनाते हैं, तो उनके लिए भी इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं, और ख़ुद भी बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए गाइस, हमने ये इस तरह से ब्रेड लिए हैं, और जो हमने इसको इस तरह से फ्राई किया है, और हमने ये इस तरह हलवा लेना है। और ये जो हलवा पराठा होता है, ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको बनाकर देखें और खाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। और जो घर में मेहमान आते हैं, आप उनको इस तरह से बनाकर खिलाएं, तो मेहमान भी आपकी तारीफ़ करे बगैर नहीं रहेंगे। तो आपको अगर ये हमारी रेसिपी पसंद आए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।